शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ ज़हीर अराई, आप देख रहे हैं ज़हीर अराई सेटअप। दोस्तों, रोज़ाना की तरह आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें ताकि हमारी फैमिली और ज़्यादा वसी हो। तो दोस्तों, आइए आज का अपना व्लॉग शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले सबकी खैरियत दरियाफ़ करते हैं और अपने सारे परिंदे देखते हैं, एक्टिव हैं, खैरियत है, कोई बुरी खबर तो नहीं है। सारे परिंदे और मुर्गे मुर्गियाँ सब एक्टिव और हेल्दी माशाल्लाह। कबूतरी अपने अंडों पे बैठी हुई है, उसने दूसरा अंडा भी दे दिया होगा, आइए चेक करते हैं। ये क्या, दूसरा अंडा इतना छोटा क्यों? मैं इतना छोटा क्यों दिया? चलो तुम्हारा है, जो भी है पड़ा रहे। यहाँ पे भी सब खैरियत से लग रहे हैं। और ये भी खैरियत से हैं। कॉकटेल हमेशा की तरह अंदर ही गायब। माँ और बच्चे, माशाल्लाह बच्चे भी सारे एक्टिव नजर आ रहे हैं। ये कबूतरी मैंने अपने दोस्त को देनी है, गिफ्ट देनी है उसको। ये कुछ टाइम के लिए आई हुई थी हमारे पास, अकेली है बेचारी। और बाकी यहाँ पे भी सब खैरियत से हैं। सब खैरियत से हैं यहाँ पे भी। माशाल्लाह आज तो बच्चे बड़े एक्टिव नज़र आ रहे हैं, आज तो आवाज़ें भी कर रहे हैं। आ रहे, खाना आ रहा है तुम लोगों का दो मिनट में। और ये भी एक्टिव नज़र आ रहे हैं, इनका बच्चा भी एक्टिव नज़र आ रहा है। माशाल्लाह से सारे सेटअप में सारे परिंदे और जानवर, सॉरी परिंदे और मुर्गा मुर्गी सब एक्टिव हैं, हेल्दी हैं। लेफ्ट की पोजीशन देख लें, पिंचेस बड़ी खुशी से खेल रही हैं। बस अब इनको इनका खाना डालते हैं। आप बोल लो। चलो, तो अब इनको इनका खाना डालते हैं और इनको पानी पिलाते हैं। बाकी चीनू मीनू भी एकदम भाग के आते हैं जैसे गेट खुलता है। इनको पता है कि इनके लिए खाने का टाइम हो गया, इनका खाना आ गया, भाग के आते हैं। तो दोस्तों, आज की गुड न्यूज़ ये है कि हमारी ये वाली मुर्गी क्रॉप हो गई है। तो चले अब इसको हम सेवे में बिठाते हैं, पंजाबी में कहते हैं ना, इनो सेवे पे बिठाइए। तो इसको सेवे में बिठाते हैं, क्रॉप पे बिठाते हैं, इसके नीचे अंडे रखते हैं और अल्लाह ने चाहा तो इसके नीचे भी इसके बच्चे आ जाएंगे। तो आइए इसको अब क्रॉप पे बिठाते हैं, इसकी जगह बनाते हैं, आइए।
अच्छी खबर है हमारे पास, हमारी एक मुर्गी कुड़क हो गई है और उसको आइए अंडे पे बिठाते हैं और 21 दिन इंतज़ार करते हैं ताकि वो बच्चे निकाले। तो दोस्तों हमने जगह बना ली है इसकी, तो आइए अंडे रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 14 अंडे। तो 14 अंडे रख दिए हैं और मुर्गी को अंदर भेजते हैं, इसको बिठाने की कोशिश करते हैं। कुड़क तो हो गई है, बैठ भी जाएगी इंशाल्लाह। तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट कि हमारी मुर्गी कुड़क हो गई है और हमने उसको अंडों पे बिठाया, आपने देखा। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक लाजमी करें और शेयर करें। आज चीनू मीनू के खाने में गाजर और कल वाली पत्ती, सुबह वाली नाश्ते वाली पत्ती और गाजर। तो दोस्तों आइए अपने डफ के और फिंचेस के केजेस में नेक्स्टिंग मटेरियल रखते हैं। आइए ताकि वो अपना नेक्स्ट बनाए और अंडे दें। हमने इनके केज पे रख दिया नेस्टिंग मटेरियल, अभी आएंगी नेक्स्ट उठाएंगी और अपना घोंसला बनाएंगी। और डफ के केज पे भी रख दिया, ये भी अपना नेक्स्ट बनाए। तो मुझे लग रहा है वो वाली एक है जो अंडे देने के मूड में है, तो अब जल्दी से अपना नेक्स्ट उठाएंगी और घोंसला बनाए अपना। तो दोस्तों मुर्गी अंडों पे बैठ रही है माशाल्लाह, अंडे सेट कर रही है, अंडे सेट कर रही है। तो ये तो बहुत ही प्यारी आज की गुड न्यूज़ हुई कि मुर्गी अंडों पे बैठ गई। ये है तितर का खाना, अब तितर को हम खाना देने लगे हैं। ये तितर को हमने रख दिया खाना, ये अपनी मर्जी से खा लेगा। मिट्टू की ट्रीटमेंट चल रही है, मिट्टू में काफ़ी फर्क आ गया है, ये ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। मिट्टू की हमने ट्रीटमेंट कर दी है और ये मिट्टू के लिए हमने तीसरी लकड़ी लगाई थी, जो इसने तीसरी लकड़ी भी काट के तोड़ दी है। अब इसके लिए लोहे वाली लकड़ी लेके आनी पड़ेगी। क्या कर रही हो बेला, घास खा रही हो? माशाल्लाह जोड़ा बैठा हुआ है, एक पैर यहाँ बैठा हुआ है,
ये हमेशा की तरह यही बैठा हुआ है और ये हमेशा की तरह दोनों अंदर छुप के बैठे हुए हैं। यहाँ पे भी कोई नहीं और ये माँ और बेटा बैठे हुए हैं और बाकी बच्चे अंदर बैठे हुए हैं। दोस्तों आज हम इन दोनों को ऊपर अपने केज पे छोड़ते हैं, मास्टर केज पे। आइए इनको मास्टर केज पे छोड़ते हैं। चलिए इनको छोड़ते हैं मास्टर केज पे। दोस्तों आज का व्लॉग था यहीं तक। उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक और शेयर लाजमी करें और कमेंट में हमें बताएं कि आपको हमारा ये सेटअप और हमारे बर्ड्स वगैरह आपको कैसे लगे, और कमेंट लाजमी करें। तो इसी के साथ दोस्तों मैं आपका ज़हीर अरानी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।